नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सब का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की आज की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है झारखंड के गिरिडीह से, नक्सलियों के मंसूबों पर फेरा पानी। गिरिडीह में 10 किलो का कैन बम बरामद, पुलिया के नीचे रखा हुआ था, क्या गया डिफ्यूज। एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल जवानों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से पुलिया के नीचे रखे गए कैन बम को सोमवार को जिला पुलिस और CRPF ने बरामद कर लिया। कैन बम 10 किलो का था, जिसे सुरक्षा बलों ने सावधानी से डिफ्यूज कर दिया। खबर है झारखंड के देवघर, सिमडेगा, पलामू और गढ़वा से। देवघर, सिमडेगा, पलामू और गढ़वा में सोलर पार्क होगा स्थापित, प्रशासन को जमीन चिन्हित करने का दिया आदेश। झारखंड में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में ऊर्जा के लिए इस पर अधिकाधिक निर्भरता भी बढ़ेगी। राज्य सरकार ने भी दिशा निर्देश दिया है कि इस पर ध्यान केंद्रित किया जाए। ऊर्जा विभाग ने इसे ध्यान में रखते हुए राज्य के 4 जिलों देवघर, सिमडेगा, पलामू और गढ़वा में सोलर पार्क स्थापित करने का निर्णय किया है। हर एक सोलर पार्क की क्षमता 20 मेगावाट होगी। इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को भेज दिया गया है। खबर है झारखंड के पलामू से। झारखंड के पलामू में क्रिकेट मैच देखने के क्रम में छत से गिरा युवक, हुई मौत। विश्रामपुर प्रखंड के भंडार मिडिल स्कूल के प्रांगण में रविवार की शाम स्थानीय लोग क्रिकेट मैच खेल रहे थे। भंडार गांव के निवासी सहोदरी कुंवर का 18 वर्ष इकलौता पुत्र स्कूल के छत पर बैठ मैच देख रहा था। इसी क्रम में वह छत से गिर गया। स्वजन सहित स्थानीय लोग युवक को इलाज के लिए PMCH ले गए, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। निशिकांत दुबे ने CM हेमंत सोरेन को लिखा पत्र, बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ मंदिर खोलने का किया आग्रह। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ और बासुकीनाथ मंदिर को खोलने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में जिक्र किया है कि पिछले साल के सुप्रीम कोर्ट का आदेश और देश के अन्य मंदिरों तारापीठ, महाकाल और तिरुपति के तर्ज पर इन्हें भी खोला जाए। सांसद ने मुख्यमंत्री को प्रेषित पत्र में लिखा है कि दोनों मंदिर संथाल परगना और झारखंड के लिए स्वाभिमान के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 1 करोड़ लोग प्रत्यक्ष तौर पर इन मंदिरों के जरिए जीविकोपार्जन करते हैं और लगभग 5 करोड़ लोगों की जीविका परोक्ष तौर पर इस पर निर्भर है। मंदिर बंद रहने के कारण इससे जीविकोपार्जन करने वाले लोग भारी संकट में हैं। उन्होंने पिछले वर्ष मंदिरों को खोलने को लेकर बातचीत का हवाला देते हुए जिक्र किया है कि लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस पर निर्णय लिया जाए। खबर है झारखंड के गोड्डा से, राशन दुकानदारों को फूड सेफ्टी लाइसेंस अनिवार्य। जिला प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि सभी राशन दुकानदारों को फूड सेफ्टी लाइसेंस लेना अनिवार्य है। जिन दुकानदारों ने लाइसेंस नहीं बनवाया है, वे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, जांच में पकड़े जाने पर कार्रवाई होगी। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपायुक्त भोर सिंह यादव, पुलिस अधीक्षक YS रमेश की संयुक्त अध्यक्षता में DLCC के समीक्षात्मक बैठक की गई। इस बैठक में DC ने कई दिशा निर्देश दिए। फूड लाइसेंस की अनिवार्यता को गंभीरता से लेते हुए खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गुलाब लकड़ा ने कहा, आंगनबाड़ी केंद्र जैसे जिले में चल रहे सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को भी फूड सेफ्टी कानून के अनुपालन के लिए जागरूक होने की जरूरत है। बैठक में SDO ऋतुराज ने स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक बिंदुओं को DC के समक्ष रखा। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स गोड्डा के सचिव प्रीतम गाड़िया ने व्यवसायिक की सुविधा हेतु फूड लाइसेंस के लिए आवश्यक सुझाव दिए, ताकि व्यवसायों को फूड लाइसेंस बनाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मधुपुर विधानसभा में बिछेगा सड़कों का जाल, मंत्री ने कहा। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछेगा। 3 साल के दौरान विधानसभा क्षेत्र सभी गांव और गली में पक्की सड़क बनेगी। यह बातें सोमवार को सुबह के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने मधुपुर प्रखंड के धमनी पंचायत के जरीडी गांव में 15वें वित्त आयोग से बनने वाली CC और नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास के बाद कही। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल एवं पर्यटन के क्षेत्र में यह विधानसभा पूरे झारखंड में मॉडल बनेगा। सभी वर्ग, जाति, संप्रदाय को शिकायत का मौका नहीं देंगे। आप सबको बता दें कि मंत्री ने 15वें वित्त आयोग से अनुशंसित अनाबद्ध निधि से जरीडी गांव में अलग अलग 2 जगहों पर PCC सड़क और नाला निर्माण का आधारशिला रखी। इसके तहत 2,49,000 से 267 फीट लंबी PCC सड़क और 2,31,000 से 327 फीट नाला का निर्माण होगा। खबर है झारखंड के रांची से, सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर बाल सुधार गृह से 2 बंदी फरार,
तलाश में जुटी पुलिस। जानकारी के अनुसार सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर दो बाल बंदी सोमवार की दोपहर बाल सुधार गृह से फरार हो गए। फरार होने की सूचना मिलने पर आनंद फानन में सदर थाने की टीम को पूरे मामले की जानकारी दी गई। दोनों फरार बाल बंदियों की तलाश की जा रही है, हालांकि अभी तक दोनों पकड़ में नहीं आए हैं। सदर DSP प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि वे मामले की जांच में लगे हैं। फरार हुए दोनों बाल बंदियों की तलाश की जा रही है, उम्मीद है कि वे पकड़ लिए जाएंगे। हालांकि फरार बाल बंदियों के बारे में अभी यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि वे किस जुर्म में बाल सुधार गृह में बंद थे। राजनीतिक वार पलटवार में उलझी झारखंड की राजनीति, आपस में भिड़े सत्ता पक्ष और विपक्ष। झारखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कई दिनों से परवान पर है। एक तरफ योजना के उद्घाटन को लेकर मचा विवाद और दावेदारी है, तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के बहाने सत्ता पक्ष ने विपक्ष की घेराबंदी कर दी है। एम्स देवघर की OPD के लिए उद्घाटन का विवाद इस कदर बढ़ा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यक्रम को ही स्थगित कर दिया। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी, इससे जनभावनाओं के विपरीत बताते हुए आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपमान बताया गया। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक यह गलत प्रवृत्ति है और अघोषित आपातकाल का उदाहरण भी। खबर है झारखंड के चतरा से, 5,25,000 रुपए की ठगी करने वाला साइबर अपराधी जामताड़ा से गिरफ्तार। चतरा जिले के सदर थाना पुलिस ने जामताड़ा जिले के करमाटार थाना क्षेत्र के करमाटार बस्ती में छापेमारी कर सलाहुद्दीन अंसारी उर्फ गुड्डू नामक साइबर आरोपी को दबोचा है। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि 26 जून को स्थानीय गोरछनी रोड निवासी आनंद कुमार ने 5,25,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस हरकत में आई। तकनीकी शाखा के सहयोग से वादी के खाते से अवैध रूप से खरीदी गई दो एप्पल आईफोन का IMEI फ्लिपकार्ट के माध्यम से पता किया गया। उसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रांची तथा जामताड़ा में छापेमारी की। जामताड़ा से वादी के खाते से अवैध रूप से खरीदे गए एक एप्पल आईफोन के साथ आरोपी को करमाटार से गिरफ्तार कर लिया। खबर है झारखंड के रांची से। झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में दुर्गा स्वरण चौक के समीप आज सुबह बालू लदे हाईवा पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। गंभीर घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया। यह घटना करीब सुबह 5:30 बजे की है। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर में आशंका, राज्य में 7,17,000 बच्चे हो सकते हैं संक्रमित। सबसे ज्यादा रांची में 63,382 बच्चों पर संक्रमण का खतरा, सरकार की ओर से गठित इम्पावर्ड कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर के अनुमान और रोकथाम को लेकर सरकार की ओर से गठित इम्पावर्ड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि राज्य में कोरोना की संभावित तीसरी लहर में 7,17,484 बच्चों के संक्रमित होने का अनुमान है। इसमें रांची में सर्वाधिक 63,382, जबकि धनबाद में 58,387, गिरिडीह में 53,188 और पूर्वी सिंहभूम में 49,892 बच्चे संक्रमित हो सकते हैं। डेल्टा से 60% अधिक फैलता है डेल्टा प्लस, अब तक 12 राज्यों में मिले 51 मामले। महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में पाए गए कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस डेल्टा वेरिएंट से 60% अधिक तेजी से फैलता है, साथ ही यह वायरस फेफड़े के सेल से अधिक मजबूती से चिपकता है। विशेषज्ञों एवं वैज्ञानिकों के निष्कर्ष के आधार पर केंद्र सरकार ने इसकी जानकारी झारखंड सरकार के पदाधिकारियों को देते हुए कोरोना जांच की गति तथा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने सहित कई एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इस बार सावन 29 दिनों का, जिसमें 4 सोमवार, 25 जुलाई से सावन की शुरुआत, 22 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा और रक्षाबंधन। श्रद्धा आस्था और सुहाने मौसम का महीना सावन इस बार 29 दिन का होगा। भगवान शिव के पूजन के लिए विशेष फलदायी सावन इस बार 25 जुलाई से शुरू होकर 22 अगस्त तक रहेगा। खास तौर से सावन के सोमवार की पूजा व्रत उपाय का शीघ्र फल मिलने की मान्यता है। ज्योतिष आचार्य के अनुसार सावन में भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करने से सौभाग्य वरदान मिलता है। हालांकि इस बार सावन में 4 ही सोमवार होंगे। 28 जुलाई को नाग पंचमी और 8 अगस्त को हरियाली अमावस्या होगी। 6 अगस्त को मास शिवरात्रि, 9 अगस्त को वन सोमवार, 10 अगस्त को सिंजरा और 11 अगस्त को तीज का पर्व मनाया जाएगा। इसके बाद 13 अगस्त को रंगोली पंचमी और 22 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। 4 अगस्त को कमिका एकादशी और 18 अगस्त को वैष्णव मंदिरों में पवित्रता एकादशी रहेगी। झारखंड सरकार की तैयारी, बच्चों के लिए जल्द लगेगी मोहल्ले में क्लास, टीचर्स ऐसे करेंगे ऑफलाइन पढ़ाई।
राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई के लिए अब मोहल्ला क्लास चलेगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसे आपदा प्रबंधन विभाग को भेजा जा रहा है, जहां से अनुमति मिलने के बाद मोहल्ला क्लास की शुरुआत की जाएगी। यह मोहल्ला क्लास सभी गांव के अलग अलग टोलों और मोहल्लों में चलेगी। इसके लिए अलग अलग समय निर्धारित किए जाएंगे। शिक्षक के साथ साथ वॉलंटियर भी इस कार्य में लगाए जाएंगे। वे बच्चों को छोटे छोटे समूह में बुलाएंगे और कोविड के मानकों का पालन करते हुए उन्हें पढ़ाएंगे। हर दिन एक शिक्षक 2 से 3 मोहल्लों में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। बाल तस्करी को रोकने के लिए झारखंड सरकार का बड़ा कदम, गांव में महिला एसपीओ की होगी नियुक्ति, ऐसे होगा काम। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बाल तस्करी रोकने के लिए राज्य के गांव में महिला एसपीओ की नियुक्ति की जाएगी। वह गांव के बच्चों पर नज़र रखने के साथ तस्करों पर नज़र रखेगी। यदि बच्चों की तस्करी का प्रयास हो रहा हो तो वह संबंधित अधिकारी और पुलिस को सूचना देगी, ताकि तस्करी करने वालों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा सके। सीएम ने यह बातें रविवार को झालसा की ओर से कोविड में अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट शिशु के लॉन्चिंग कार्यक्रम में कही। खबर है झारखंड के गोड्डा से, पुलिस केंद्र से कैदी वाहन चोरी, एसपी ने 6 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। पुलिस केंद्र से कैदी वाहन चोरी मामले में 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। चोरी में शामिल एक अपराधी को भी पुलिस ने वाहन के साथ किया था गिरफ्तार। मामले को लेकर एसपी वाई रमेश ने एसडीपीओ को जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद कार्रवाई की गई है। आप सबको बता देना चाहता हूं कि बीते 25 जून को पुलिस केंद्र गोड्डा से अज्ञात चोर के द्वारा कैदी वाहन चोरी कर लिया गया था। बाद में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वाहन को बिहार के बांका जिला से बरामद कर एक को गिरफ्तार किया था। जांच प्रतिवेदन के समीक्षा उपरांत कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में श्रीकांत मरांडी, दीवा हवलदार सुफल किस्कू, रंजित राम, पंकज कुमार यादव, जोसेफ सोरेन एवं दिलीप कुमार भुइया को निलंबित कर दिया गया है। मालूम हो कि सिकटिया पुलिस लाइन से 25 जून के सुबह कैदी वाहन गायब हो गया था, जिसे बांका जिले के बरहार थाना क्षेत्र में बरामद किया गया। इसके साथ ही एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। व्यक्ति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, वह बार बार अपना बयान बदल रहा था, अलग अलग नाम भी बता रहा था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।